अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और मैंने सोचा कि चलो लास्ट व्लॉग में जो है ना, लास्ट दो व्लॉग में जो है ना, मैं थी नहीं क्योंकि मैं काम करने में लगी हुई थी ना, तो जो किचन था ना वो उसको संभालने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं अपना खुद ही भूल गई। हालांकि मुझे जो आज पॉडी हो रही है वो वीडियो जो है ना, मुझे मैंने सोचा हुआ था कि मैं उसको शूट करूँगी, बट मैं इतना मतलब काम में सब चीज़ों में इतना मैं मतलब मैं भूल गई। खैर कोई बात नहीं। तो जो है ना, मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करना है कि आप लोगों ने जो है ना इतनी अच्छी दुआएं दी ना, सीरियसली इतनी अच्छी दुआएं दी हैं आपने कि बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया आप सभी का, दिल से शुक्रिया। और जो लोग इंस्टाग्राम पे उन्होंने देख लिया होगा, मैंने यहाँ से काफ़ी जो है ना यूट्यूब पर कमेंट्स जो है ना इंस्टाग्राम पर लगाए थे। और ज़ायरा का बर्थडे आ रहा है अभी, ठीक है अभी बता दूंगी मैं, ज़ायरा का बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो ज़ायरा कह रही है कि आप मेरा बता दीजिए कि मेरा भी बर्थडे आ रहा है। जी हमारे यहाँ तो जो है ना 4 फरवरी से लेकर ना लाइन लग जाती है बर्थडेज की। फरवरी में ही 4 बर्थडे होते हैं, लोइजा के अब्बा का, लोइजा का, फिर लोइजा के अब्बा के अम्मा अब्बा का मतलब दादा दादी का, तो इन सब का होता है, फिर ज़ायरा का, फिर इंजिला का होता है, फिर मेरा होता है, फिर एनिवर्सरी होती है, फिर लास्ट में जोहान के बर्थडे के बाद एंड हो जाते हैं, मतलब फैमिली के बर्थडे जो ना कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो है ना यहाँ पे मैं दावत की बात कर रही हूँ, बर्थडे की बातें नहीं कर रही हूँ, इनविटेशन दे रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो यहाँ पे जो है ना, मैं यही शेयर करना था आपके साथ में कि एक आइडिया हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो है ना, मैं ये कह रही थी कि तो मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो भी हमारे जो है ना दावत होती है, तो उसमें जो है ना हमें इतना आइडिया नहीं होता है ना, हम जब दावत करते हैं, वैसे करते करते हो जाता है, लेकिन जो होता है ना, हमें क्या लेना है, कितना लेना है, सारी चीज़ें मेन्यू डिसाइड करना होता है, कितना कौन सी चीज़ बनानी है हमें और कितनी डिशेज हमें अपनी दावत में रखनी है, सारा कुछ जो होता है ना, हमारा बजट सारा कुछ देखना पड़ता है, सभी कुछ जो होता है ना हमें देखना होता है कि हम किस चीज़ पर कितना क्या क्या हमें लगने वाला है। तो वो जो सारा है ना बजट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए, क्योंकि मैं भी जो है ना यूट्यूब से ही कहीं ना कहीं देखती हूँ, बाकी वरना घर में जो अपने हैं फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे घर वाले हैं, हमारे सास नंदे और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, अम्मी भाभी, सारे लोगों से हम जो है ना पूछते हैं, मशवरा करते हैं, भाई हम फला फला चीज़ बना रहे हैं, इतनी इतनी लोगों की चीज़ बना रहे हैं, कितनी क्या लगेगी। हालांकि हमें मालूम होता है, लेकिन फिर भी जो होता है ना, एक बार जो है ना रीचेक करते हैं उसको, चीज़ को जो है ना हम सोचते हैं कि नहीं यार वो कहीं गलत ना हो, तो हम उसको दोबारा से जो है ना हर चीज़ को दोबारा से जो है ना हम बजट बनाते हैं, सारी चीज़ें हम जो है ना उसको नोट डाउन करते हैं, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन होती है ना, प्रेप ऐसे ही कहा जाता है। तो अपना जो बजट है ना वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कितना है मतलब दावत के अंदर जो है ना कितना ज़्यादा मतलब खर्चा किया है। और ये दावत जो थी ना माशाल्लाह से इतनी सही रेसिपीज जो थी ना मैंने शेयर की थी, बिरयानी का नाम नहीं लूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी क्या बनाया था, सबसे पहले क्या बनाया था मैंने, हाँ सबसे पहले बनाए थे कबाब बनाए थे मैंने, और मैंने रसगुल्ला बनाया था, मैंने केक बनाया था, और मैंने कौरमा बनाया, मुजाफिर बनाया, और पास्ता बनाया, और साथ ही मैंने बिरयानी बनाई, यानी कि 7 डिशेज जो थी ना मेरे जो दावत की 7 डिशेज मेन जो थी ये थी, साथ ही रोटी चपाती जो भी कहते हैं, शीरमाल ये थी, रायता सलाद व्लाद ये तो अलग था, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने रखी हुई थी, ठीक है, इसमें हमारी जो दावत थी हमारी उसमें हमने इतनी डिशेज जो है ना हमने रखी थी। तो अब ये जो है ना ये सारा कुछ जो हमने कैसे किया है, तो मैं यहाँ पर जो अपना बजट बता रही हूँ कि मैंने जो है ना मिनिमम में ये सारी चीज़ें की हैं, 1000 अप्रोक्सीमेटली इसका टोटल जो है ना कॉस्ट आई होगी सारे कुछ, मतलब 25% क्योंकि 20 तो थे और 5 लोगों का ऐसा हुआ कि मतलब जो नहीं आए थे, जो थोड़ा बहुत होता है ना कि हम फैमिली मेम्बर्स को देते भी हैं साथ में रख के, वो नेक्स्ट डे हमने खाया, पूरा दिन में खाया, रात में खाया, और उसके बाद भी जो बच गया था सालन कौरमे का, उसमें हमने फिर राइस डाल के तहारी जैसे बना लिया। तो ये जो है ना, तो ऐसा करके ये 30 लोगों का जो है ना पूरा खाना टोटल रेडी हुआ था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेकिन फिर भी 25 लोगों का ही आपको बजट बता रही हूँ, तो 1000 के अंदर मैंने किस तरह से सारा कुछ किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ताकि उससे भी आपको आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कबाब जो बनाए थे, ठीक है, मैंने कबाब जो है पहले भी बनाए थे अभी कुछ दिन पहले ही,
तो वो ज्यादा लग रहे थे मुझे, तो मैंने उस टाइम पे जो है ना उसको पूरा ना बना करके उसमें से थोड़ा सा जो था गोश्त वो मैंने उठा के रख दिया था, ठीक है। तो वो जो है ना मैं उस टाइम पे ना बना करके उसका जो है ना उस टाइम पे रख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए थे, इनफैक्ट बच गए थे काफी सारे जो हमने नेक्स्ट डे फिर खाए थे, ऐसा नहीं था कि इसमें नहीं हुए। तो मैंने इस तरह से जो है ना इसको हमारे बजट को जो है ना हमने सेट किया, ठीक है। फिर हमने जो बनाया रसगुल्ले, रसगुल्ले हमने क्या बनाया, हमने घी बनाया था, ठीक है, घी से जो हमने मक्खन, मक्खन से घी बनाया था, सॉरी मक्खन से जो हमने घी बनाया था उसमें जो भी निकलता है उसको जो हमने ना उससे छेना बनाया, छेना से हम पनीर बना सकते हैं, पनीर की सब्जी बना सकते थे, लेकिन हमने पनीर की सब्जी ना बना के हमने एक डिश हमारी जो है ना हमने इसके अंदर इंक्लूड की और वो थी हमारी रसगुल्ला, ठीक है। तो ये रसगुल्ला हमने इस तरह से रेडी किया जो कि बहुत बजट के अंदर हमारा रसगुल्ला रेडी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह सबको हो गया, और काफी बच गया था जो हमने बाद में संडे मंडे तक खत्म किया, तो सबको हो गया था माशाल्लाह से, वो भी उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कम हुआ हो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमने केक बनाया, ठीक है। तो ये केक जो था ना ये 2 2 kg से ऊपर का था, 2.64 समथिंग, 2.25 किलो करीब का ये केक था, जो कि मतलब अगर हम मार्केट से लेते तो ये काफी ज्यादा महंगा पड़ता, काफी ज्यादा। वहीं हमने इसको बजट में लेके अपने घर में बनाया, थोड़ी सी मेहनत हमारी ज्यादा लगी लेकिन ये है कि वो बन गया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, बहुत ही अच्छा कि उसी वक्त खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ कि बच गया हो, पड़ा रह गया हो कि नहीं आ रही तो खाने में नहीं आएगा, अच्छा नहीं बना है ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट कम पड़ गया, मुझे तो मिला ही नहीं खाने के लिए। मुझे आज तक क्रेविंग हो रही है कि मुझे मेरा वाला केक खाना है, ओनली इतना सा मुझे खाने को मिला था, 3 स्पून ओनली। तो ये जो चीज़ थी ना, ये 3 डिशेस जो थी ना ये ऐसी थी कुछ जो मैंने बजट में की थी, ठीक है। बाकी चीज़ों के लिए जो हमने चिकन मंगवाया, डेढ़ किलो का बिरयानी बनाया था, 2 2 किलो चिकन था, 1.5 किलो का मैंने चावल रखे थे, तो ऐसा करके, क्योंकि बिरयानी में जो है ना गोश्त ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है, या आप बराबरी का लें या ज़्यादा लें, तो वो मैंने बनाया था। और 1.5 किलो का जो है ना 1.5 2 किलो करीब का जो मैंने कौरमा बनाया था, ठीक है। तो ऐसा करके जो है ना हमारा 3.5 किलो हमने चिकन लिया हुआ था, चिकन भी हमने अच्छे रेट में लिया था, आजकल तो काफी सस्ता चल रहा है, कई जगह सस्ता मिल रहा है, बट अच्छा लिया था क्योंकि उसमें लेग पीस वगैरह ज्यादा हुए, ज्यादा लिए थे हमने अच्छे, तो इस वजह से। और साथ ही हमने जो है 1/2 kg का जो है मुजाफिर बनाया था, ठीक है। तो ये हमने लिया था, तेल वगैरह आपने देखा, सारी चीजें हमने घर में ही जो थी सारी चीजें इसकी जो है ना पहले से ही मैंने प्रिपरेशन कर रही थी, सारा छुपाना बचाना जो है ना पहले से चल रहा था। और इस तरह से जो है ना मैंने ये चीज़ें बनाई थी, ठीक है। केक का मैंने आपको रेसिपी शेयर की किस तरह से जो है, अब इस तरह से जो है ना चीज़ों को पहले से लेके चले तो उससे क्या होता है, ये हमारे बजट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। दही मैंने घर में जमा लिया था, वहाँ हमने पैसे बचाए हैं, इसलिए जो है ना सारा हमारा जो है ये बजट में बना है। तो अगर जो वही चीज़ हम बाजार से मंगवाते तो हमें रायते के लिए सबके लिए अलग से दही हर चीज़ के लिए चाहिए होता है, वहीं हमने उसी में जो मार्केट के रेट थे उसी रेट में हमने हाफ करके हमने घर में ही सारी चीज़, थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है लेकिन यह है कि आपकी जो दावत है आप जो करना चाह रहे हैं वो हर चीज़ बजट में आ जाती है कि आप बजट में किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको वही एक समझा रही हूँ चीज़ें कि आप पहले से शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से आप करें। तो यहाँ पे जो है ना मुझे बड़े अच्छे से कमेंट्स आया कि ये बिरयानी नहीं है ये तो पुलाव है। जी क्या बोल रही हैं आप, भोपाल में बिरयानी बोली जाती है, इसको बिरयानी बोलते हैं। तो भाई हमारे यहाँ जो है ना मतलब भोपाल स्टाइल में अगर मैं बोलूँ तो भाई हमारे यहाँ तो इसी को जो है ना बिरयानी कहा जाता है, क्योंकि हम तो इतना ही मतलब ये खा खा के जो है ना भाई हम यही खा खा के जो है ना बड़े हुए हैं। हमने अम्मी से पूछा, हमने कि अम्मी आपके मतलब बुजुर्ग हो गए हैं खा के, अम्मी उनके अम्मी लोग कह रहे हैं कि ये बिरयानी नहीं है तो पुलाव है, अम्मी ने कहा नहीं ये पुलाव नहीं है ये बिरयानी है, इसमें अखनी डलती है इसलिए ये बिरयानी है ये पुलाव नहीं है, पुलाव जो होता है उसमें अखनी नहीं डलती है। तो ये जो है ना भोपाल में इसी को बिरयानी कहा जाता है, और ये जो होते हैं ना मतलब लोग जो होते हैं ना वो बिरयानी जो औरतें होती हैं ना वो बिरयानी जो प्लेट के अंदर जो है ना पहाड़ बना बना के इसी को बिरयानी जो है ना समझ के खा रही होती है, तो हमने बाजी और ले लें अच्छे से खा ले, ये बिरयानी है बिरयानी है। मतलब हमें जो है ना आज तक जो है मनुज मारे भटियारों ने पागल बनाया हुआ है, मतलब आप लोगों के यहाँ बनती होगी लेकिन हमारे यहाँ जो भोपाल में जो लोग है ना वो इसी तरीके से बिरयानी बनाते हैं। तो इसी तरह से जो है ना हमने बचपन से लेकर आज तक जो है कि कभी भी हमने किसी भी शादी में जो है डिफरेंट नहीं रेसिपी देखी है, यही रेसिपी देखी और यही जो है ना बिरयानी की हमने रेसिपी
देखिए, और हम इसी को बिरयानी कहते हैं। हाँ, वो जो बिरयानी जो आप बोल रहे हैं वो तेह वाली बिरयानी कहलाती है, हमारे यहाँ तेह वाली बिरयानी कहते हैं उसे। और ये जो होती है ना, ये भी बिरयानी कहलाती है किसी भी जो है ना, और उसको निक नेम में हम बिरयान कहते हैं, जो आपको बड़ा अजीब लगता है मेरे मुँह से सुन के, बिरयान ये क्या होता है, तो वो जो है ना उसी को निक नेम है। जैसे सबके नाम होते ना, ऐसे सेम इसका भी नाम है। तो ये जो है ना, हर दावत में, हर जगह, हर शादी में जो है ना, इसी तरह से जो है ये बिरयानी बनती है। किसी भी हमारे यहाँ जितनी दावतें हुई, पार्टी हुई, जो हमने मंगवाए बुलवाए, जो खाने पकाने वाले होते हैं, उन भटियारे कहते हैं, तो आप क्या क्या कहते हैं पता नहीं, तो वो लोग भी जो है ना यही मतलब बोलते हैं, आप क्या क्या बनवाना है, अच्छा कौरम बनवाना है, चिकन का बनेगा, मटन का बनेगा, बिरयानी बनेगी, क्या क्या बनेगा। तो भाई ये हम यही कहते हैं कि ठीक है, आप बिरयानी बना दें, आप बिरयानी जो है ना इसी तरह से, कितनी ही अच्छी शादी हो उसमें इसी तरह से बिरयानी होती है। सो भोपाल में जो है ना, आप इसको भोपाली बिरयानी के नाम से समझ लें, तो वो मैंने बनाई थी। तो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है, तो ये मैंने इस तरह से बजट में सारा कुछ किया है, और क्या क्या आप किस तरह से लेके चल सकते हैं, सारी चीज़ों को जो है ना आपको बजट में लाना है, चीज़ों को आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको चीज़ों में जो है ना इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि वो आपके बजट में आ जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अपनी दावत में डिशेस इंक्लूड कर सकें। तो आई होप आपके समझ में आया होगा मैंने जो भी बताया है, कि आप किस तरह से अच्छी ह्यूज दावत रख सकते हैं, ज्यादातर लोग जितनों को आप चाहते हैं, जितने भी आप डिशेस बनाना चाहते हैं, और आप बजट में किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारा सा, और शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी के भी काम आ सके ये चीज़ इन्फॉर्मेशन। अगर लगी हो आपको कोई कुछ, हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, या मोटिवेशन आपको मिला है इस वीडियो से कि हाँ भाई हम भी ऐसे करेंगे खुद से चीज़ें, तो शेयर कीजिएगा वीडियो को। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय 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 बाय।